हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। मुझे पता है स्कूल्स चालू हो चुकी हैं, आपको बहुत कम समय मिल पा रहा होगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस को देख पाएं। और ये एक अच्छी बात भी है, स्कूलिंग का अपना एक अलग इफेक्ट होता है। वहाँ पे बोर्ड पे जब आप टीचर के सामने समझते हो तो वो मेरे को लगता है कि वो शायद सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने का एक पैटर्न है। क्लासरूम कभी भी वीडियो क्लासेस का जगह नहीं ले सकती। क्लासरूम बहुत एक स्टेज है जहाँ बच्चा अच्छे से समझ पाता है, लेकिन इस क्लास के अंदर या फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको उसी तरीके का फील आए जैसा आप एक क्लासरूम में बैठे हुए होते हो। तो चलते हैं, आज का वीडियो चालू करते हैं। ओके, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का नेक्स्ट भाग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया होगा, ये है बच्चों सेतु दृष्टिकारी या सेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर जिसे हम कहते हैं। इसे या तो सेतु दृष्टिकारी आप लिख सकते हैं या फिर सेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी भी कह सकते हैं इसे। ब्रिज रेक्टिफायर इंग्लिश में हम सिंपली इसे इतना ही लिखेंगे। ये कौन सा है? ब्रिज रेक्टिफायर। वर्किंग सिंपल है, टिपिकल है नहीं। जो चीज आपने पहले समझी है उसे ध्यान में रखिएगा। अगर पी प्रकार के अर्धचालक को, पीएन संधि में पी प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक को धनात्मक और एन प्रकार के अर्धचालक को ऋणात्मक अगर विभव मिलता है तो हम बोलते हैं कि वो कौन से के अंदर है, वो अग्र बायसित है, अग्र अभिनत है। और अगर इसका उल्टा हो, पी को एन और एन को प्लस वाला पॉइंट मिलता है तो हम बोलते हैं वो उत्क्रम अभिनत है, ठीक है। बस इस चीज को आप ध्यान में रखें। चलिए, काम किस तरीके से करना है वो समझिए। यहां पर डायग्राम ऐसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ होता है लेकिन काम एक ही करना है। समझाने का तरीका अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। तो ये हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर की ये प्राथमिक कुंडली है और प्राथमिक कुंडली का संबंध किससे कर देना है? आंसर है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। ये ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए हमें बीच में यहाँ पर क्या बनानी पड़ती है? क्रोड बनानी पड़ती है, ठीक है। और फिर यहां पर देखिए, अब ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, यहां गलती नहीं करनी है हमें। देखिए किस तरीके से इस डायग्राम को बनाना है और प्रतिरोध कहाँ लगाना है, ठीक। यहां पर हम ब्रिज बनाएंगे। ब्रिज कौन सा? आपको वो व्हीटस्टोन सेतु याद है क्या? व्हीटस्टोन सेतु वाला ही सीन है यहाँ पर। तो ऐसे मैंने चार पॉइंट बना दिए, ठीक है, और चारों पॉइंट पे ऐसे लाइनें खींच दी है। पेंसिल से बनाना है वैसे भी ये डायग्राम, तो समझ लो एक बार के लिए। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट बीच वाले बनाए ना, इनके बीच में आपको लोड प्रतिरोध को लगाना है आर, जिसके सिरों पर आपको क्या देखना है? परिणामी विभव पतन, है ना। निर्गत वोल्टता कहां पर है? यहां पर है, ठीक। और इन चार भुजाओं पर हम चार डायोड लगाने वाले हैं। देखो, एक सामान्य या फिर सेंटर टेप दृष्टिकारी जो था, जो हमने जस्ट पहले पढ़ा था पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, उसके अंदर हमने यूज किया था बच्चों क्या? सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, मतलब मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर। ये एक विशेष प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है बच्चों, ठीक है। जबकि सेतु दृष्टिकारी में एक सामान्य ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि एक सेतु दृष्टिकारी जो है वह कम खर्चीला है, ठीक है। यह भी पूरी तरंग का क्या करेगा? दृष्टिकरण करेगा,
है ना, पूरी प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में कन्वर्ट कर देगा। वो भी पूरी प्रत्यावर्ती धारा को, वो कौन, पहले वाला पूर्ण तरंग दृष्टकारी, वो भी पूरी धारा को प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में चेंज कर रहा था। लेकिन वो खर्चीला था। क्यों खर्चीला था? क्योंकि वहां पर जो ट्रांसफॉर्मर था वो भी एक विशेष प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है बच्चों, मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर। वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है, जबकि ये एक सामान्य ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे यूज किया गया है, इसका ये कम खर्चीला है। और ट्रांसफॉर्मर बच्चों थोड़े महंगे आते हैं, ये बात ध्यान रखिए। डायोड बहुत सस्ते आते हैं, अगर आप मार्केट में जाओगे ना, एक एक दो दो तीन तीन रुपए में आपको एक एक डायोड मिल जाएगा। तो डायोड सस्ता होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर महंगा होता है। ठीक है, चलिए अब क्या होने वाला है। तो यहां पर ये जो विपरीत भुजा है ना, वहां पर एक जैसे आपको डायोड लगाने हैं विपरीत भुजाओं पर। ठीक है, विपरीत भुजाओं पर एक जैसे डायोड लगाने, तो मैंने वहां पर दो स्पेस बना दी, आपको दिखाई दे रहे होंगे, और एक जैसे डायोड बना रहा हूं। तो मैंने बोला कि ये वाला बी पी भाग है ऐसा। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे देखो डायोड बनाते टाइम ऐसा ट्राइंगल ही छोड़ के आ जाएंगे, पी तो बन जाता है, एन गायब हो जाता है। देखोगे आप, है ना, जब आप सर कॉपी चेक करेंगे ना आपकी, तो आपको बहुत सारी जगह ऐसे दिखाई देगा डायोड ऐसे बना करके आता है बच्चों। ये डायोड थोड़ी है बच्चों, ये है डायोड। ठीक, तो ऐसा का ऐसा डायोड यहां पर भी बनना चाहिए। ठीक है, पता चल गया, एक डायोड ये रहा, एक डायोड ये। ठीक, फिर इसके बाद में ये इस तरफ इसके जस्ट उल्टे, फिर जो दूसरे छोर है इन दोनों पे एक जैसा हो गया, इन दोनों पे एक जैसा, और इसका जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा मतलब ऐसा, ये एन ऊपर हो जाएगा और पी इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका डायोड का परिपथ, है ना। चलिए, तो इस तरीके से डायोड को आपको एडजस्ट करना है, ये आपने सामने वाले और ये आपने सामने वाले। ठीक है, नामकरण किया जा सकता है, कैसे करेंगे, तो लेट सपोज कीजिए इसे मैं अगर ऐसा लिख देता हूं, इसे लिखा डी वन, इसे लिखा डी टू, इसे लिख दिया है डी थ्री, और इस लास्ट वाले को लिख देते हैं डी फोर। लोड प्रतिरोध RL हो ही गया, इस वाले बिंदु को हमने लिख दिया X और इस वाले बिंदु को हमने लिखा Y। ठीक, फिर इसके बाद में ये और ये पॉइंट एक जैसे ही हैं, तो A बिंदु यहाँ पर मान लीजिए और B बिंदु यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब समझना बच्चों, थोड़ा सा समझने लायक बात है यहाँ पर। चलो यही पॉइंट यूज करता हूँ, ग्राफ बना देता हूं पहले, जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती धारा आ रही है ना, तो निवेशी धारा कैसी है, प्रत्यावर्ती है, ये सभी को पता है। तो निवेशी वोल्टता या फिर धारा, ठीक, ये अपन वोल्टता के लिए देते हैं वी आई, वी आई है, और यहां पर आप क्या लिखोगे, ये निवेशी है बच्चों, ये थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये निवेशी प्रत्यावर्ती, ये निवेशी वोल्टता लिख देता हूं मैं, निवेशी वोल्टता। ठीक है, वोल्टता मैं बोल रहा हूं, लिख दीजिएगा। और इस तरफ अपन क्या ज्ञात करेंगे, निर्गत वोल्टता देखेंगे। ठीक, इस तरफ क्या आएगी, निर्गत आउटपुट, निर्गत मतलब आउटपुट वोल्टता। ठीक है, ये वोल्टता लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे वही धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र ऐसे ही तो आ रही है, ये वाला एक चक्र पूरा हो गया तो ये टी, और ये क्या टू टी, इसी के सापेक्ष में यहां पर भी टी लिखना है और यहां टू टी लिखना है। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखो बच्चों कि किस तरीके से मिला, तो हम बोलते हैं कि ये पहला धनात्मक अर्धचक्र जब आया, पहला इसे जो धनात्मक अर्धचक्र आया, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण यहां पर क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है, नहीं यहां पर क्या आ जाता है, माइनस। तो समझिए यहां पर प्लस है और इस तरफ माइनस आ रहा है। ठीक है, अब आपको वो डायोड छाटने हैं जो अग्र अभिनित तो होंगे, और वो डायोड छाटने हैं जो पश्च अभिनित या फिर उत्क्रम अभिनित होंगे। ठीक है, चलिए आप गौर कीजिए, हम बोलते हैं ये डायोड, इस डायोड डी टू का, समझना, डायोड डी टू के पी प्रकार के भाग को बैटरी का धन मिल रहा है, क्लियर है क्या। तो ये कौन से में जा सकता है, अग्र अभिनित हो सकता है,
है क्योंकि यहाँ पे p भाग को प्लस मिल रहा है। जबकि यहाँ पर देखो डायोड D1 के लिए, डायोड D1 में अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपको ये क्या पता चलेगा बच्चों, क्या पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा कि इसके n भाग को बैटरी का प्लस मिल रहा है। ये तो उत्क्रम अभिनेत्री है ना, n भाग और प्लस मिल रहा है, उत्क्रम अभिनेत्री, ठीक है, बात समझ गई। देखो किताबों के अंदर और मैं बता देता हूँ, D1 यहाँ से नहीं चालू करते, वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, D1, D2, D3, D4 ऐसा लिखते हैं। ये आपके ऊपर टर्मिनोलॉजी डिपेंड करती है, आप कैसे चलाना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ऐसा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज कर देना, यहाँ से चला देना, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा डायोड चालन करेगा, मतलब किस डायोड से धारा बहेगी, किससे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने बोला कि D2 डायोड के P प्रकार के क्रिस्टल को बैटरी का धनात्मक भाग मिल रहा है, ठीक है, तो ये कौन से में, अगर अभिनय तो हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो नीचे वालों के अंदर देखो कौन सा अग्र मुक्त होगा और कौन सा पश्च, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस आ रहा है ना नीचे, ठीक, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, समझना है इस चीज को, D4 के N प्रकार के क्रिस्टल को बैटरी का माइनस, ठीक है, N प्रकार का माइनस हो गया, और अगर P को देखोगे तो प्लस का दिखेगा आपको, ये वाला जो भाग है ये P, ऐसा देखोगे तो ये प्लस का दिखेगा, तो P भाग को प्लस का और N भाग को माइनस का अग्र अभिनित हुआ। जब भी यहां देखो P भाग को बैटरी का माइनस मिल रहा है, क्या होगा, पश्च अभिनित होगा, उल्टा हो रहा है ना यहाँ पर, तो P भाग को बैटरी का माइनस, जबकि N भाग को देखो बैटरी का प्लस, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये पश्च अभिनित हुआ, ये पश्च अभिनित हुआ, ये दोनों, जबकि ये दोनों कौन से, अग्र अभिनित हो जाते हैं, अग्र अभिनित हो जाते हैं, तो इनसे क्या बहेगी, धारा बहेगी, ठीक है। अब धारा कैसे जाने वाली, तो ये बात ध्यान में रखना, प्लस से माइनस की ओर जाती है धारा। तो हमें ये पता चला कि धारा की दिशा कुछ ऐसी होगी, ए से गई यहां पर, अब इसके पास में दो भाग थे यू और यू, लेकिन ये तो पश्च अभिनित है, ऑफ स्विच होता है, धारा नहीं जाएगी, इससे धारा नहीं जाएगी धनात्मक में, ठीक है। तो फिर धारा कहां से गई, D2 से, क्योंकि ये अग्र अभिनित था, ऐसा। फिर X पे पहुंची, यहां पर भी जा सकती थी, यहां पर भी, लेकिन पता चला D3 कैसा दिखा, पश्च अभिनित दिखा, अरे ये तो पता है ना ये दोनों पश्च अभिनित है, तो फिर इसमें तो जाएगी नहीं, किस में गई, एक्स से गई वाई में, यू, ये धारा की दिशा एक्स से वाई में गई, फिर y से ये भी चालन की अवस्था में D4 इसमें गई और B में, और फिर ऐसा। तो धारा का जो क्रम है वो कैसा है वो समझिए, तो इस स्थिति के अंदर जब डायोड D2 और D4 चालन अवस्था में होते हैं या अग्र बायसित होते हैं, तब परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा A, D2, X, RL, Y, D4, B, A होती है, ऐसी यू बहती है धारा, समझ लो, कौन से में, अग्र अभिनित में, कौन-कौन से डायोड काम कर रहे हैं, D2 और D4, क्लियर है। और मैं किताब वाला ही कर देता हूं, आप कंफ्यूज होगे फिर बोलोगे कि सर ने उल्टा करवा दिया है, चलो किताब वाला ही करवा देता हूं, D1 सॉरी D1 D2 D3 D4 ऐसा कर लो तो तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो ऐसा जा रहा है, धारा तो यूं ही जाएगी, ये तो निश्चित है ना भी, धारा में तो कोई चेंजेस आना ही नहीं है। तो हमने बोला कि D1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं पहले वाले केस में, ठीक है, ऐसा कर, लेकिन ये दोनों डायोड ही क्या होंगे बच्चों, अग्र अभिनित होंगे, ये बात ध्यान में रखना, कौन सी अभिनिति में, सॉरी कौन से भाग में, धनात्मक अर्धचक्र के अंदर, ठीक। तो हमने बोला धनात्मक अर्धचक्र में RL से लोड रेजिस्टेंस RL से धारा प्रवाहित होती है, इस कारण हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। कौन कौन से डायोड के कारण, आंसर है D1, D3 के कारण, ठीक। अब चलो इस वाले के करेंगे तो A क्या हो जाएगा, माइनस का, B क्या हो जाएगा, प्लस का, तो इधर प्लस आ जाएगा और इधर क्या आएगा, माइनस, ये समझाने के लिए बता दूं मुझे, ठीक। अब क्या हुआ, तो हमने बोला कि यहाँ पे माइनस, और देखो D1 को, P भाग को बैटरी का माइनस, ये पश्च अभिनित हो गया तो इसका चालन नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे देखो तो हमें ये पता चला कि D3 में, देखो D3 में N भाग को बैटरी का प्लस मिल रहा है, N भाग को बैटरी का प्लस मिल रहा है, तो ये भी चालन नहीं करेगा,
कौन कौन चालन करेंगे? डी टू और डी फोर। कैसे? इसके एन भाग को बैटरी का माइनस मिल रहा है और पी भाग को अगर आप देखोगे तो बैटरी का प्लस मिल रहा है, तो ये चालन करेगा मतलब अग्रवाहित होगा, इससे धारा बहेगी। और डी फोर को देखो, डी फोर में पी भाग को बैटरी का प्लस का और एन भाग को बैटरी का माइनस का मिल रहा है, मतलब एक्स माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। तो हमें ये पता चला ये भी अग्रवाहित है, इससे भी धारा बहेगी। तो ऋणात्मक वाले भाग में धारा किससे बहेगी? डी टू और डी फोर से। लेकिन धारा की दिशा कहां से कहां की होगी? आंसर है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। तो धारा देखो ऐसा यूं जाएगी, यूं समझ रहे हो क्या? पता चला, ठीक। तो हमने बोला इस स्थिति में धारा कैसे जाएगी? डी फिर डी फोर एक्स वाई डी टू ए बी ऐसे बहने वाली है। गौर करो दोनों स्थितियों में धारा एक्स से कहां की ओर गई? वाई की ओर गई। लेकिन ऋणात्मक अर्धचक्र में कौन से डायोड ने काम किया? डी टू और डी फोर ने काम किया। तो धारा की दिशा में चेंज नहीं हुआ, इसलिए विभव पतन की दिशा भी चेंज नहीं होगी, विभव पतन भी उसी में, लेकिन किसके कारण? D2 और D4 के कारण। फिर वापस से धनात्मक अर्धचक्र कौन काम करेगा? आंसर है D1 और D3। फिर ऋणात्मक अर्धचक्र कौन काम करेगा? आंसर है D2 और D4। एक ही दिशा में आपको वोल्टा मिल रही है, इस कारण हम बोलेंगे कि ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है और एक सस्ता दृष्टिकारी है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? जो हमने पहले पढ़ा था ना मध्यम निष्कासी ट्रांसफार्मर वाला दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, उसकी तुलना में ये सस्ता है, इसलिए इसका अधिक उपयोग किया जाता है। दक्षता की बात करें तो दक्षता इसकी भी वही है 81.2%, उसकी भी 81.2% ही थी। वहां दो डायोड का उपयोग हो रहा था, यहां चार डायोड का उपयोग, ठीक है। ये अंतर है बस, यहाँ पे चार डायोड है, वहां सिर्फ दो डायोड थे, ठीक। काम करें बच्चों, चलिए देखो। सबसे पहले वही पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की परिभाषा तो आपको वही लिखनी है, क्या? वह दृष्टिकारी जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती, संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टा को दृष्ट धारा अथवा वोल्टा में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। सेतु दृष्टिकारी में चार डायोड का उपयोग किया जाता है। यहां से मैं चालू करता हूं, सेतु दृष्टिकारी में चार डायोड का उपयोग कर संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता को दृष्ट धारा अथवा वोल्टता में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। ये सेतु दृष्टिकारी के लिए हमें पता चल गया, परिभाषा भी हो गई अपने आप ही, ठीक। बनावट में क्या बच्चों? देखो बहुत सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बनावट लिखाऊंगा, क्या भाई? पहली लाइन तो फिक्स है, क्या? ट्रांसफार्मर, और आप सामान्य ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं आगे, सामान्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को, प्राथमिक कुंडली को निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक
कुंडली को चित्रानुसार, चित्रानुसार चार डायोड एवं लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने काम करना है बच्चों। ठीक, समझ में आया? ये क्या था? ये सिर्फ बनावट थी। अब हम इसकी छोटी सी कार्यविधि लिखेंगे, ज्यादा बड़ी कार्यविधि नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये जो ग्राफ है ना, निवेश और निर्गत वोल्टता का, ये चेंज नहीं है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी में भी ऐसा का ऐसा था, मतलब इससे पहले वाले में, और इस वाले में भी ऐसा का ऐसा है। बस ये अंदर वाला भाग जो है डायोड, वो चेंज हो जाएगा, है ना? तो ध्यान रखिए, एक बार इसको मैं देख लेता हूँ वीडियो को, आप इतनी देर उतारे। ओके, ठीक है, चलिए। तो मैं अब बनावट को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ बच्चों, है ना? बनावट वाले भाग को हटा देता हूँ और लिखना चालू करता हूँ, और ये भी मिटा देता हूँ क्योंकि ये आप बना ही लोगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ये गौर कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके इस चीज को ध्यान रखिए, कौन सा कंडक्ट कर रहा है, चालन कौन सा कर रहा है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हटा देता हूँ, कार्य विधि लिख देता हूँ, है ना? अब कार्य विधि समझिए, हमने क्या बोलना है कि प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र हेतु, ये डायग्राम में ये प्लस माइनस मत लगाना, ना ये नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि दो स्थिति करेंगे तो ये आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज मत लगाइएगा। ठीक, तो क्या लिखना है, प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र हेतु डायोड D1 तथा, देखो ये तो है D1 और D2 क्या है, सॉरी D3, D1 और D3 अग्रवाही से, डायोड D1 तथा D3 अग्र अभिनत तथा या फिर एवं डायोड D2 व D4 क्या होते हैं, पश्च अभिनत होते हैं। ठीक है, ये दोनों पश्च अभिनत हो गए, जिसके कारण D1 तथा D3 धारा का चालन कर पाते हैं, चालन कर पाते हैं एवं इस स्थिति में प्रवाहित धारा की दिशा, धारा की दिशा कैसी होती है? तो देखो प्लस में ऐसे जा रही है, नहीं ऐसी होती है। तो प्रवाहित धारा की दिशा A, फिर डायोड D1, फिर बिंदु X, फिर Y, फिर डायोड D3 और फिर बिंदु B और फिर वापस से वो कहां पर, A पर होती है। एवं लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर
वांछित वोल्टता प्राप्त होती है। आउटपुट मिल गया आपको, निर्गत वोल्टता लिख दीजिए, वांछित निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक है, डन हुआ। चलिए, तो ये तो था किसके लिए, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। अब किसके लिए काम करेंगे बच्चों, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। और आप सभी को पता है कैसे काम करते हैं, पता है नहीं पता, चलिए अब इसी के अंदर ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना। क्या करें, ये उतार लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, उतार लीजिएगा। देखिए क्या होगा, अब इसमें हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। अब सेकंड पार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ से जो करना है, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ऋणात्मक अर्ध चक्र, ऋणात्मक अर्ध चक्र हेतु। अब डायोड D1 और D2 अग्रभूमि नहीं होते, कौन कौन से होते हैं भाई, D2 और D4, D2 और D4 क्या होंगे, अग्र अभिनत। देखो D2 और D4 यही तो अग्रभूमि होंगे, क्यों, क्योंकि माइनस इधर आएगा प्लस इधर आएगा, ठीक है, तो ये वाला अग्र अभिनत। फिर इसके लिए देखोगे तो प्लस को पी टाइप के पास में जा रहा है, तो ये भी अग्र अभिनत हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, D2 और D4 अग्रभूमि, जबकि D1 व D3 क्या, पश्च अभिनत होते हैं, जिसके कारण कौन कौन से चालन करेंगे, D2 तथा D4 धारा का क्या कर पाते हैं, चालन कर पाते हैं। इस स्थिति में प्रवाहित धारा की दिशा, अब ये थोड़ी आपको देखनी पड़ेगी, इस बार धारा कहां से प्रवाहित होगी, आंसर है बी वाले भाग से, देखोगे क्योंकि प्लस यहां पर, ठीक है, तो हमने लिखा दिशा बी, फिर बी से कहां की ओर गए, D4 में, और D4 से गए X में, तो बी फिर D4 फिर X, X से वापस से कहां, Y, Y से D2, Y से D2 और D2 से इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट क्या है, A, A और फिर A से वापस B, पूरा चक्र पूरा होना चाहिए ना, धारा की दिशा होती है एवं लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर वांछित निर्गत वोल्टता प्राप्त होती, हो गया। अब गौर करो, धनात्मक अर्ध चक्र में भी धारा की दिशा X से Y की ओर ही थी और ऋणात्मक में भी X से Y की ओर है, इसका मतलब लोड प्रतिरोध RL से गुजरने वाली धारा की दिशा दोनों ही स्थिति में क्या होती है, समान होती है, अर्थात विभव पतन की दिशा भी समान होगी। ठीक, चलिए, तो ये लाइन हमें लिखनी है, अतः स्पष्ट है कि, समझिए, अतः स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा या निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के दोनों अर्धचक्र चक्रों हेतु लोड प्रतिरोध RL से गुजरने वाली धारा की दिशा समान ही रहती है, अतः विभव पतन भी एक दिशिक ही प्राप्त होता है, एक ही दिशा में प्राप्त होता है, ठीक है, एक दिशिक ही प्राप्त होता है। इस प्रकार सेतु दृष्टिकारी के द्वारा, सेतु दृष्टिकारी के द्वारा क्या होता है बच्चों, संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता को
विद्युत धारा अथवा वोल्टता में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, ये है तरीका किसको बताने का, सेतु दृष्टिकारि को बताने का। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। लैंग्वेज जो है वो आपको खुद को बनानी आनी चाहिए, आपको बुक का कॉपी करने की कभी जरूरत नहीं है, वो आपको खुद को बनानी आनी चाहिए। बस ये देखिएगा कि वो लैंग्वेज सही तरीके से लिखी हुई है। बच्चे अपनी लैंग्वेज बनाने के चक्कर में भावार्थ का कुछ और अर्थ बना देते हैं, इस कारण एग्जामिनर गलत निकाल देता है। उसका भावार्थ वही होना चाहिए जो आपका सर्किट डायग्राम कह रहा है। ठीक है ये बात। चलिए इस चीज को एक बार के लिए उतार लीजिए, फिर देखते हैं ये वीडियो कितना टाइम का हो गया है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं शायद हम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है समकारी फिल्टर, या फिर फिल्टर सर्किट जिन्हें हम बोल सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है और रिलेटेड दृष्टिकारी से ही है। देखिए बच्चों, अगर आपको दृष्टिकारी समझ में आया होगा तो आपने जो वेवफॉर्म बनाई है ना इनपुट और आउटपुट की, मतलब निर्गत और निवेशी संकेत अगर आपने बनाया है तो आपको पता चलेगा कि निर्गत संकेत कैसा था, ऐसा यू है ना। और हम बोल रहे थे वो दुष्ट संकेत है, बिल्कुल सही बात है, वो दुष्ट धारा है, दुष्ट वोल्टता ही थी, क्योंकि उसकी दिशा चेंज नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन उसका मान तो चेंज हो रहा है। ठीक, और क्या हमें बैटरी से ऐसी वोल्टेज चाहिए जिसका मान लगातार चेंज हो? आंसर है नहीं भाई, हमें तो ऐसी दुष्ट वोल्टता चाहिए जिसका मान और दिशा समय के साथ चेंज ना हो। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं इसे, बोर्ड पे जब तक उतारते नहीं है तब तक समझ में आता नहीं है वैसे। तो टॉपिक जो है हमारे पास में वो है समकारी फिल्टर, समकारी फिल्टर, या फिर आप फिल्टर सर्किट भी लिख सकते हैं, है ना, फिल्टर सर्किट। ये क्या चीज है वो समझिए। हमने बोला कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से हमें निर्गत संकेत मिला वो ऐसा था, कुछ इस तरीके का। ये एक दृष्ट संकेत है लेकिन कैसा, उच्चा उच्च है ना, जिसका मान जो है वो चेंज होता है लेकिन दिशा चेंज नहीं होती। लेकिन ऐसा दृष्ट संकेत हमें नहीं चाहिए, ये बात और ध्यान में रखें, ये यूजलेस है देखा जाए तो हमारे लिए। ठीक है, हमें एक ऐसा दृष्ट संकेत चाहिए बच्चों जो कि नियत मान का हो या लगभग नियत मान का हो, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये वोल्टता होगी, ये समय टी दर, ऐसा कुछ। ठीक, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न चाहिए। अगर इस तरीके के आसपास में भी आ गया ना तो भी हमारे काम चल जाएगा, मतलब अगर कुछ ऐसा भी आ गया ना ऐसा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम लगभग नियत तो चले मान। ठीक, यहाँ पर तो मान नियत चल ही नहीं रहा, एक बार बहुत ऊपर जा रहा है, एक बार जीरो आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर जीरो आ रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। हमें ऐसा वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें ऐसा वोल्टेज चाहिए। ठीक, या हमें ऐसी धारा चाहिए। तो हमें एक ऐसे फिल्टर सर्किट की रिक्वायरमेंट है जो कि लगभग नियत मान का दुष्ट संकेत हमें प्रदान कर सके। ठीक है, किससे, जो कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से आपको प्राप्त हुआ निर्गत संकेत उसको किस में कन्वर्ट कर सके, एक आदर्श दृष्ट संकेत में परिवर्तित कर सके। उसके लिए किसका उपयोग किया गया, सम दृष्टिकारी फिल्टर का, या फिर फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता। फिल्टर सर्किट में हम एल सर्किट, सी सर्किट, एल सी सर्किट और पाई सर्किट का उपयोग करते हैं। ठीक है, एल सर्किट मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेरक कुंडली लगी हुई हो, सी सर्किट मतलब जिसमें संधारित्र लगा हुआ, एलसी सर्किट मतलब जिसमें प्रेरक कुंडली और संधारित्र दोनों लगे हुए हो, पाई सर्किट मतलब जिसके अंदर दो संधारित्र और एक कुंडली लगी हुई हो।
वो पाई सर्किट होता है, ये बेस्ट फिल्टर है, पाई जो है वो बेस्ट फिल्टर है। हम यहाँ पर संधारित्र और प्रेरक कुंडली से निर्मित फिल्टर सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट करता क्या है बच्चों, तो हम बोलते हैं एक फिल्टर सर्किट कुंडली एवं संधारित्र से बना वह परिपथ है जिसके द्वारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से प्राप्त निर्गत संकेत में उपस्थित स्पंदों की मात्रा को कम किया जाता है और लगभग आदर्श दृष्ट वोल्टता को प्राप्त किया जाता है, है ना। उसमें जो स्पंद होते हैं ना पल्स, उनको किसके द्वारा कम किया गया है, फिल्टर सर्किट के द्वारा कम किया गया है। किस किस का उपयोग किया गया, प्रेरक कुंडली और संधारित्र का उपयोग किया गया। तो हम इसे लिखते कैसे हैं वो समझिए। फिल्टर परिपथ प्रेरक कुंडली एवं संधारित्र से निर्मित वह परिपथ होता है जिसकी सहायता से पूर्ण तरंग दृष्टकारी से प्राप्त निर्गत संकेत में उपस्थित स्पंदों को या फिर प्रत्यावर्ती भाग को स्पंदों को लिख दो या फिर वो प्रत्यावर्ती भाग ही एक तरीके से देखा जाए तो स्पंदों को कम कर लगभग आदर्श दृष्ट संकेत में बदला जाता है। तो हमने ये भी बता दिया कि हम किसका उपयोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों कर रहे हैं, ये दोनों हमने इसकी परिभाषा में बता दिया। देखिए L और C का उपयोग क्यों किया गया, तो हम बोलते हैं L और C ये दोनों वो चीजें हैं जिनकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, आपको याद हो तो, ठीक। देखिए जब L परिपथ होता है, ठीक है, L परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है, XL होती है, क्या होती है, XL। XL का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ एल या फिर ओमेगा एल, ठीक है। और सी सर्किट में सी परिपथ के अंदर, ये समझिए एक बार के लिए, सॉरी प्रतिबाधा नहीं प्रतिघात होता है, मैंने गलत बोला है, प्रतिघात है ये प्रेरक के प्रतिघात और ये धारक के प्रतिघात, और ये क्या होता है 1/ωc, मतलब 2 पाई एफ सी, ठीक। अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा भाग किसको रोकेगा, एसी और डीसी, प्रत्यावर्ती संकेत और दृष्ट संकेत मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे समझिए, हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती संकेत के पास में आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, सामान्य एक बार एक एवरेज लेकर के चलते हैं कि हम हमारी वाली की प्रत्यावर्ती संकेत की बात करें, जबकि एक शुद्ध डीसी में आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज, कोई आवृत्ति नहीं होती, ठीक है ये बात। चलिए अब अगर हम देखेंगे तो एसी संकेत के लिए एफ का मान कितना, 50 रखूं तो ये हो जाएगा 2π × 50 × L, तो 100π L हो जाएगा, 100π L हो जाएगा, कुल मिलाकर के XL का कुछ ना कुछ मान होगा। XL का मान होगा मतलब वो ज्यादा होगा, आवृत्ति ज्यादा है इसलिए XL का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताओ XL मतलब बाधा ही तो है,
धारा के मार्ग में बाधा ही तो ये क्या करेगा, एसी को बाधित करेगा, रोक लेगा। ठीक है, तो ये एसी को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, एसी के मार्ग में या प्रत्यावर्ती संकेत के मार्ग में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सी कुछ ना कुछ बाधा देगा। ठीक, सॉरी एक्सएल कुछ ना कुछ बाधा देगा। लेकिन अगर डीसी संकेत आए, अगर इसी एल परिपथ के पास में डीसी संकेत आए जिसके पास में आवृत्ति कितनी, शून्य, एफ का मान कितना, जीरो, एफ का मान जीरो, तो एक्सएल का मान जीरो। कोई बताओ प्रतिघात उत्पन्न करेगा नहीं, धारा के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हुआ नहीं, धारा को जाने देगा। कौन सी धारा को, डीसी को, तो इसे जाने देगा, पास कर देगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, एक कुंडली जो होती है वह एसी के मार्ग में या प्रत्यावर्ती संकेत के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जबकि डीसी संकेत को आगे की ओर जाने देती है। ये ध्यान में रखने लायक बात है। ठीक, अब आगे चलो, सी परिपथ के अंदर अगर हम बात करें, संधारित्र की अगर हम बात करें, एफ का मान देखिए, अगर डीसी की बात करूं तो एफ का मान कितना लिखूं, जीरो, तो नीचे क्या हो गया, पूरी राशि जीरो हो जाएगी। एक बटा जीरो कितना होता है, अनंत। ठीक, तो एक्सी का मान डीसी के लिए अनंत हो गया है। अनंत मतलब प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया है, ये डीसी को पूरी तरीके से रोक लेगा। कौन, संधारित्र जो है वह दिष्ट संकेत को पूर्णतः बाधित करता है। ठीक है, जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो आवृत्ति का मान ज्यादा है, आवृत्ति का मान नीचे ज्यादा है, अतः पूरी राशि का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो हम बोलते हैं कि जो संधारित्र है वह एसी संकेत को कम रोकेगा या फिर नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रतिघात का मान बहुत कम है, तो हम बोलेंगे जाने देगा। ठीक है, तो ये चीज समझने लायक है कि जो फिल्टर सर्किट में कुंडली होती है या प्रेरक कुंडली जो होती है वह एसी को रोकती है और डीसी को क्या करती है, जाने देती है। जबकि संधारित्र जो है वह एसी को जाने देता है और डीसी को रोक लेता है, उसे जाने ही नहीं देगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख लो। क्या लिखोगे, एल सी। ठीक, इधर एसी लिख देना और इधर डीसी लिख देना। ठीक, एल क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है, ब्लॉक, रोक लेगा। ठीक है, डीसी को क्या करता है, पास करता है। जबकि सी क्या करता है, उल्टा, एसी को क्या करता है, पास करता है और डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, बीसी को ब्लॉक कर देगा, रोक लेगा। ठीक है, ये अपनी कॉपी में कहीं ऊपर की ओर लिख लीजिएगा, इससे आपकी थ्योरी बन जाएगी। ठीक, अब सर्किट कैसा होता है वो मैं आपको समझा देता हूं, आपको सारी रामायण समझ में आ जाएगी। देखिए क्या होता है इसमें, अब मैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूरा नहीं बनाने वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, और इसका निवेशी संकेत जो है वो कुछ ऐसा है ना, एसी सप्लाई, ऐसे लिखते हैं, वीआई जिसे आप लिखते हो। इससे जो निर्गत संकेत है वो संकेत कैसा है बच्चों, आप सभी को पता है निर्गत संकेत कैसा था। इससे आने, इसमें आने वाला संकेत ऐसा है यू। ठीक है, इसी तरीके का संकेत है, टी लिख देता हूं मैं, जबकि इससे जाने वाला संकेत कैसा है, ऐसा टी, और ये वी नॉट। ठीक है, ये संकेत यहां पर ऐसा है, डन। चलिए, अब हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, इसके आगे
यहां पर लगाया प्रेरक कुंडली एल को, ठीक है, और लोड प्रतिरोध आर एल जिसके सिरों पर आपको निर्गत वोल्टता प्राप्त करनी है, यही तो है वी नॉट, यहीं पर तो देखोगे आप किसके सिरों पर, आर एल के सिरों पर, इसके समांतर क्रम में आपको लगा देना है संधारित्र सी, ठीक। अब क्या होने वाला है वो समझिए, यहां से ये तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी का काम है, हमें इसके ऊपर बात भी नहीं करनी, हमें लिखना है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी से प्राप्त निर्गत संकेत जब L परिपथ से गुजरता है या फिर जब प्रेरक कुंडली से गुजरता है तो क्या होगा, तो हम बोलते हैं ये जो है एसी को क्या करती है, रोक लेती है, एसी को ब्लॉक करती है, कुंडली क्या करती है एसी को ब्लॉक करती है और डीसी को क्या करती है पास कर देती है। तो प्रेरक कुंडली निवेशी संकेत में, ये इसके लिए निवेशी संकेत ही हुआ, प्रेरक कुंडली पूर्ण तरंग दृष्टकारी से प्राप्त संकेत में उपस्थित प्रत्यावर्ती भाग के लिए अवरोध उत्पन्न करता है, ब्लॉक करेगा मतलब प्रत्यावर्ती भाग को क्या करेगा, रोक लेगा, कौन से प्रत्यावर्ती भाग को, ये जो ये ऊपर की ओर जो नीचे की ओर है ना, इनको, जो ऐसा भाग है ना जो ऊपर की ओर जा रहा है जो नीचे की ओर जा रहा है, इनको रोकेगा, इनको हटाने की कोशिश करेगा, और सिर्फ जो लगभग नियत मान था ना ये वाला, इस मान को जाने की देगा, इसको जाने देगा। तो ये क्या करता है, प्रेरक कुंडली प्रत्यावर्ती संकेत के लिए अवरोध उत्पन्न करता है जबकि दिष्ट संकेत को आगे की ओर भेज देता है, ठीक है। तो अब इससे गुजरने वाला कौन सा भाग होगा, डीसी होगा, डीसी उसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एसी उसमें क्या हो गया, मिनिमम हो गया, कम हो गया है, ठीक है, कि एसी को उसने ब्लॉक कर लिया था इसलिए कम हो गया। अब क्या हुआ बच्चों, यहां पे देखिए, गलती से अगर इससे थोड़ा बहुत एसी पास भी हो गया है ना, इसने गलती से थोड़ा बहुत एसी इसमें आगे चला भी गया, जो मिनिमम हो गया है ना, एसी का थोड़ा सा भाग बच भी गया, तो वो एसी किससे गुजर जाएगा, संधारित्र से और इधर, ठीक है, एसी, जबकि संधारित्र डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ये क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है, ठीक। तो एसी तो इससे गुजर जाएगा, जो इससे बच गया था ना एसी, वो किससे गुजर जाएगा, संधारित्र से गुजर जाएगा इधर, और डीसी को इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो डीसी कहां की ओर गया, आगे की ओर, किससे गुजरा, लोड प्रतिरोध से, आगे से। तो इस आर एल से गुजरने वाला जो विभव था, सॉरी जो धारा थी, वो पूर्णतः दृष्ट संकेत थी, इसलिए प्राप्त संकेत भी यहां पर कैसा होगा, दृष्ट ही होगा। तो आप इसमें ग्राफ ऐसा बनाओगे टी और इधर ऐसा, ये बना ही लीजिएगा वी नॉट ऐसा, ठीक है, पता चला। ये क्या करना है हमें, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि यह एसी को ब्लॉक कर लेता है या फिर प्रत्यावर्ती संकेत को ब्लॉक करता है और डीसी को आगे की ओर भेज देता है, जबकि शेष बचे हुए प्रत्यावर्ती भाग को संधारित्र पास कर देता है एवं डीसी भाग को ब्लॉक कर देने के कारण यह संपूर्ण डीसी भाग या दिष्ट संकेत लोड प्रतिरोध आरएल से गुजरता है एवं हमें वांछित लगभग आदर्श दिष्ट संकेत प्राप्त होता है, यह दिष्ट संकेत है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर ये चीज ध्यान में है तो आप थ्योरी लिख पाएंगे बच्चों, कैसे वो समझिए। तो हम लिखते हैं इसके बाद में, जब पूर्ण तरंग दृष्टकारी FWR फुल वेव रेक्टिफायर से निर्गत स्पंद युक्त संकेत किससे गुजरता है, प्रेरक कुंडली से गुजरता है, तो कुंडली
संकेत में उपस्थित प्रत्यावर्ती घटक हेतु अवरोध उत्पन्न करते हैं। जबकि दिष्ट घटक को आगे प्रेषित कर देती है। ठीक है, दिष्ट घटक को आगे भेज दिया है। फिर यदि अब यहां पे दिष्ट घटक ही आ रहा है, यदि अभी भी प्रेरक कुंडली से निर्गत संकेत में कुछ प्रत्यावर्ती घटक शेष रह जाता है, तो यह लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगे, समांतर क्रम में लगे संधारित्र से गुजर जाता है या गुजरता है। जबकि संपूर्ण डीसी घटक या दिष्ट घटक लिख लीजिए, दिष्ट घटक लोड प्रतिरोध से गुजरता है, प्रतिरोध से गुजरता है एवं शुद्ध दिष्ट निर्गत संकेत प्राप्त होता है, निर्गत संकेत आरएल के सिरोपर प्राप्त होता है, सिरोपर प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसकी थ्योरी लिख करके आनी है। बहुत रेयर है कि फिल्टर सर्किट पूछा जाए। आप देखेंगे पिछले 5 सालों में शायद एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत रेयर है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो एल है वो प्रत्यावर्ती को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है, जबकि जो सी होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। अगर ये चीज आपको पता है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। आपको डायग्राम बनाना है तो आप कुछ इस तरीके का ही काम कीजिए। ये चीज आपको बनानी है, ये तो खैर आप लिख सकते थे। ठीक है, ये सारी चीज वी आई कैसा है, ये सर्किट, फिर इससे निर्गत संकेत ये कैसा है, और फाइनली निर्गत संकेत कैसा है वो आपको पता चलना चाहिए। ये संकेत ऐसा था, इसमें स्पंद थे और स्पंदों को हटा लिया गया है। ठीक है, तो ये सर्किट आपको बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। चलिए, समझ में आएगी। थोड़ी सी थ्योरी है, बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर इस चैप्टर में थ्योरी थ्योरी के। हाँ बच्चों, इस चैप्टर में पूरी थ्योरी ही थ्योरी है। अब ठीक है, आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा अगर आप थ्योरी के छोटे छोटे से पॉइंट पकड़ोगे, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है चैप्टर। चलिए, आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा और चैनल को लगातार सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें। और आपके कमेंट में पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है, तो इसी तरीके से कमेंट करते रहें। टेक केयर बच्चों।